सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अब सबसे पहले हम गले को बनाएंगे। तो गले के लिए जो हमने बुकरम ली है उसकी चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और लंबाई है वो 6.5 इंच है। अब हम इसको डबल करेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच की। गले की लंबाई है वो 6 इंच की है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे गले की। अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए। यहाँ पे हम एक सुई लगा देंगे। अब एक कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। और इसको डबल करेंगे और यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे। अब ये 90 की जो हमने पट्टी लगाई है यानी कि जोड़ है डिजाइन का उस पर पहले हम दोनों को बराबर करके सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। हमारा छोटा वर्क हो रहा है इसको हम सही कर लें। अब इसको बराबर करके यहाँ से शोल्डर को और यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे और बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बीच वाले कपड़े की। अब हमारे यहाँ पे धुलाई है वहां पे हम कैंची लगा लें। अब इसको हम अंदर की शर्ट दबा के सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हमें कपड़ा लेंगे तो गले से हमें 1 इंच ज्यादा लेना है और ये कपड़े की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच की चौड़ाई है। अब हम यहाँ से इस तरीके से कपड़े को तिरछा करेंगे। यहाँ से हमारा 1 इंच ऊपर की साइड अंदर होना चाहिए और ये हमने कपड़े को तिरछा कर लिया। इस तरीके से हमें कपड़े को तिरछा करना है। अब हम इसको गले के नीचे रखेंगे। अब ये दूसरी जो पट्टी है वो हमें यहाँ पे रखनी है।
अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। अब हम ये कपड़े को तिरछा करेंगे। कपड़े को हमने तिरछा कर लिया, अब हम इसमें से डबल करके अब हमने कपड़े को तिरछा किया है तो इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 3 इंच की चौड़ाई ली है। अब हमें डबल करना है। अब जैसे हमने पट्टी लगाई है उसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी लगानी है। अब ये पट्टी को डबल करके हमें गले के नीचे रखना है। अब ये कपड़े को हम बराबर कर लें ऊपर से और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लें। बहुत ही सिंपल गला है। कपड़े को आपको जैसे गले की पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से कपड़े को तिरछा करना है। 3 इंच की चौड़ाई लेनी है कपड़े की और 2 पट्टी हमने दोनों कलर की लगाई है। जैसे गला बनाया हमने, गले के नीचे हमने पट्टी को दबा दी है एक एक करके। अब हम एक साइड हुक लगाने के लिए कपड़े को अंदर की साइड दबाएंगे। जैसे हम यहाँ पे हुक लगाएंगे तो यहाँ से हम इसके बराबर पट्टी ले लें और 1/2 इंच हम लंबाई में ज़्यादा रखें। अभी हमारा सीधा सीधे के ऊपर हमने कपड़े को रख के अंदर की साइड पट्टी को दबाएंगे। अब एक साइड हमने हुक के लिए पट्टी को अंदर की साइड दबाया है। अब पीछे का गला बना के हम ये पट्टी को डबल करके इस तरीके से लगाएंगे जिस पे हम काज बनाएंगे। इसकी चौड़ाई ली है हमने 2 इंच की। अब हम पीछे का गला बनाएंगे। अब ये हमारा तिरछा कपड़ा है तो इसको हम गले पे लगाएंगे। ये हमारा उल्टा है, उल्टे के लंग से हमें पट्टी को रख रहे हैं। अब ये पट्टी को हम आगे की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अब जैसे इधर की साइड हमने हुक वाली पट्टी लगाई है तो इधर की साइड हमें काज वाली पट्टी लगानी है। अब हम यहाँ से कपड़े को अंदर की साइड दबाएंगे, यहाँ से लगाना है। अब ये पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे अंदर की साइड दबा के। अब हमारा जो आगे वाला शोल्डर है यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे थोड़ा सिलाई लगाना है। अभी एक साइड हम ये शोल्डर को जोड़ देंगे।
अब हमने ये शोल्डर को जोड़ दिया है और इसको हम सुई की मदद से अंदर के साथ दबा के इसमें टांक लगा देंगे और यहाँ पे हुक लगाएंगे यहाँ पे काज। इस तरीके से हमारा आगे और पीछे का गला बन के तैयार है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब हमें बाजू की मोरी पे सिलाई लगानी है। ये बाजू को डबल करेंगे और यहाँ से इसमें निशान लगा लेंगे बीच में। अब ये निशान को हम यहाँ पे रखेंगे शोल्डर के ऊपर और इस तरीके से नाप के अब हम बाजू लगाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू लगानी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब हमें जितनी फिटिंग करनी है उतना हम निशान लगा लेंगे और सिंपल सिलाई है, जैसे हमारी कटिंग है उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है दो लाइन में। अब ये पहली वाली मोरी से हम दूसरी वाली मोरी का नाप लेके इसकी भी फिटिंग करेंगे। अब नीचे की साइड हम 5 या 6 इंच खुला रखेंगे बगले से, 5 इंच खुला रख रहे हैं। इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड अलग अलग। अब ये हमने खुला रखा है, इसको हम अंदर के साथ दबा के दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड में हम अपनी लंबाई नाप के जितनी हमें सिलाई लगानी है। अब हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा लें। हम एक एक इंच सिलाई लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे हुक लगा लिया है जिससे गले में अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये पट्टी को हम एक बार और अंदर के साइड से इसमें इस तरीके से सुई से यहाँ से हमने खुला रखा है। ये बन गई हमारी नाइटी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।